शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आधे घंटे के लिए इसकी छुट्टी बैठूंगा है।
भगवान जोड़ी सलामत रखे, लाखों करोड़ों कमाते रहो, लेकिन अपने हिस्से का ख्याल रहे। गुड नाइट। स्वास्थ्य का मार्क रखो, स्वास्थ्य का मार्क रखो। घूर घूर के क्या देख रहे? सुना तो बहुत था यूरोप में डॉक्टर लोग लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बना देते, लेकिन इतनी जल्दी किसी के सेक्स बदलते आज पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ से गई कि तो लड़का को वापस गई तो लड़की बन गई, कल क्या बन जाएंगी किसी क्या मालूम। चोर का कल कौन जाने, आज का काम तो पूरा कीजिए। तशरीफ रखिए। ये रहे बराबर के दो हिस्से, जो ठीक लगे उठा लो पहली पसंद आपकी। क्यों? इट इज फर्स्ट। बस बस, बाकी सब तुम्हारा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो चीज मुझे पसंद थी मैंने उठा ली। संध्या जी, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये काम तो हम जैसे लोगों का है, लड़कियों को तो सिर्फ दिल चुराने चाहिए। आजकल के लड़कों के पास दिल नहीं रहा और लड़कियों के पास वफा नहीं रही, इसलिए मैं सिर्फ जेवर चुराती। मगर इसकी कोई वजह तो जरूर होगी। ये तो मेरा एक शौक है। अच्छा एक बात है, वादे के मुताबिक एक बार तो मैंने आपको अपने साथ ले लिया, दोबारा नहीं लूंगी, मगर उम्मीद है कि आप मुझे बदनाम नहीं करेंगे। दो चोर अगर एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते तो एक दूसरे से कोई राज भी नहीं छुपाते, इसलिए सिर्फ एक ही जेवर चुराने का ये राज मुझे भी बता दीजिए। नहीं, ये मैं किसी को नहीं बता सकती। पुलिस को भी नहीं? क्या मतलब, आप पुलिस में जाएंगे? आखिर आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ ये सारे जेवर ले जाकर मैं पकड़ा ना जाऊं और उम्र भर जेल में चक्की ना पीसता रहूं। इसलिए अपनी असलियत क्या है बता दीजिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर यही बात है तो सुनिए, ये जेवर जो मैं एक एक करके उठा रही हूँ, ये सब मेरी माँ के हैं। उन्होंने इन्हें बड़े संभाल के मेरी शादी के दिन के लिए रखे हुए थे, इसलिए ये चोरी के नहीं,
सचमुच मेरे हैं। जिन लोगों के पास से मैंने ये उठाए हैं, चरणदास, भगवान दास, ये दोनों मेरे पिताजी के नौकर थे, और ये है त्रिभुवन सिंह, मेरे चाचा। इन सब लोगों ने मिलकर पिताजी की मौत के बाद मेरी भोली भाली माँ को धोखा देकर बहुत सारे कागजों पर दस्तखत करा लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कुछ ही दिनों में हमारी पेड़ी नीलम हो गई, हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। जिस बंगले में सेठ चरणदास रहता है वो हमारा ही बंगला था। सब कुछ खो देने के बाद मेरी माँ बंबई छोड़कर कानपुर चली गई। वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, हर तरह की तकलीफें उठाई और मुझे पढ़ाया, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी, जब भी मैं अपने पिताजी का जिक्र करती मेरी माँ घबरा जाती और चुप सी होकर रह जाती, जिससे मेरे दिल में शुबा बढ़ता गया कि शायद इस खामोशी का ताल्लुक मेरे जन्म से हो। लेकिन कुछ ही दिन पहले मुझे कुल्फा कहते हो, मुझ पर तोहमत लगाती हो, अपनी माँ पर तोहमत लगाती हो। मुझे नहीं मालूम उन खूनी भेड़ियों से बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। दर्द की ठोकरें खाई, अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपना पाप छुपाने के लिए मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे बाप का नाम मुझे क्यों नहीं बता रही, इसलिए कि मेरा बाप कोई था ही नहीं। मुझे तो क्या, तुम्हें भी शायद उस आदमी का नाम नहीं पता होगा जिसने मुझे जन्म दिया। बेटी बेटी किसकी बेटी, कौन सी माँ? ये मेरी माँ नहीं दुश्मन है, ये औरत नहीं कुंता है। जानती हो माँ, 10 साल से लोग मुझे हरामजादी कहकर पुकारते रहे, हरामजादी। 10 साल से माँ, 10 साल से। वही 10 साल जो मैंने लोगों की गालियां सुनते गुजारे हैं माँ। माँ, माँ, किसकी माँ, किसकी बेटी? मेरी बेटी को तो उन 4 कसाब ने मार डाला। कहाँ जाएंगे और सवेरे होते ही चले चले। एक पल भी नहीं छेड़ूंगी। अच्छा मालकिन, मैं खिड़की के नीचे पहरा देता हूँ रात भर। नहीं नहीं, वो मेरी बच्ची को ले जा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। अरे मां, लोगों को मां, यहां ले जाओ उसको, मां ले जाओ। मां दुश्मन, मैं कुलता, मैं कुलता। अच्छा चरणदास, चरणदास वो देखो, वो देखो, मुझे छोड़ो, उसको पकड़ो, वो देखो मेरे हीरे का हार ले जा रहा है, मेरी बच्ची के जेवर ले जा रहा है, त्रिभुवन, त्रिभुवन मेरी पूजा की मूर्ति ले जा रहा है। इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूं। तो ये बात है चंद्र जी, जेवर मैं यहां से ले जाता हूं, क्योंकि अगर ये जेवर यहां रह गए तो आपके पकड़े जाने का खतरा है। और अगर आप पकड़े गए तो? मेरी फिक्र मत कीजिए, अपना तो ये धंधा है। ये ब्रेसलेट मेरा है, मेरी बच्ची का है, मेरी संध्या का है। संध्या, संध्या मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मजरू, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, मैंने एक छोटा सा घर भी ले लिया है। मुझे ना कर सकता मुझे भी ब्रेसलेट। मुझे
ख्याल है अगर इसी तरह पुरानी चीजें उनके सामने आती रही तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर, कोशिश करूंगी। अरे ये कैसी आवाज, ये कैसी आवाज, ये कैसी आवाज, कौन कौन है? अरे क्यों आखिरी रात को शोर मचा रहे हो? अरे भगवती तुमने कुछ सुना? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे कान बचते होंगे। अरे भगवंती आज की रात बत्ती जला के सोना चाहिए, चोरों ने हमारा घर देख लिया है। तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे? चलो भगवान का नाम लेके सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाऊं। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, मुझे डर लगता है, मैं यही सोता हूँ, सोता हूँ। हे काली माई, हे दुर्गा माई, अच्छा चुप रहो दुर्गा माई, काली माई, हे भगवती माता, हे शक्ति माता, मर गया, मर गया, मैं मर गया। अरे बाप रे बाप रे, क्या हुआ? अरे किसी ने बम फेंका मुझे मारने के लिए। अरे वो देखो, हेलो पुलिस स्टेशन, रामू, गोपाल, गिरधारी, कुछ लाओ नहीं, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे, चलो भागते रहे। रामू, गोपाल, गिरधारी, अरे कहाँ से मर गए? क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ वो देखो, वो तो छोटा सा बक्सा सेठ जी, छोटा सा बक्सा, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या है मैं खोल के देख लूँ? क्या खबर था? उसमें हाथ बंद लगाना, सब किसम मर जाएंगे, चलो भागो यहाँ से, चलो भागो भागो। क्या बात है? क्या बात है सेठ जी? हमारे कमरे में किसी ने बम फेंका है। चलिए दिखाइए तो सही। दिखाना पड़ेगा। ये कहीं भाई, ये दुकान भाई, कहाँ है वो? वो देखिए अल्लाह, देखो क्या है। सदाराम चलो जो मुझे काय को मारते हो? सदाराम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। अजीब चोर है, चोरी करता है और फिर माल भी वापस कर देता है। जी तो मुझे कुछ नहीं मानू, मैं कुछ नहीं मानूंगा। अरे बाप रे, सारे जेवर तो ठीक है लेकिन उसने मेरा एक हार नहीं है। कौन सा? विक्रम सिंह वाला। विक्रम सिंह वाला? वो तो मैंने नीलाम में खरीदा था। क्यों भागवती? ठीक है ठीक है। अरे सुना तुमने, टोनी ने भगवान दास के सब जेवर वापस कर दिए हैं। अरे भागवती तुम करो हो? अरे मैं कहाँ मर गई, यहीं पर तो हूँ। जब देखो भागवती भागवती बोलो क्या है? पुलिस पकड़ने जाएगी? कैसी बातें करते हो, हमारे घर में चोरी, हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी? ये सब तुम्हें कर रहा है, तुम्हें तो गाड़ी चाहिए, जेवर चाहिए, मकान चाहिए। अब ये सब कौन सी बीबी मकान जेवर नहीं चाहती है? मैं भी चाह रही थी कि जो सब विक्रम सिंह की बीबी के पास ना, मेरे पास में भी हो। लेकिन भुगतना तो अब मुझे पड़ेगा ना। हमें स्वास्थ्य एंटरप्राइजेस की हिस्ट्री मालूम करने के बजाय भगवान दास को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। जब गलती हो गई सर, जो हो गया तो हो गया। मेरे ख्याल में स्वास्थ्य वाले चोर का निशाना अब त्रिभुवन सिंह का घर होगा। इतनी चोर के वहां पहुंचने से पहले तुम गवा जाकर त्रिभुवन सिंह को कांटेक्ट करो। लाइक टू हैव अ लिफ्ट? आइए तशरीफ ले आइए। पिछली बार ये तय किया था कि आप कभी नहीं मिलेंगे। दैट वाज बिजनेस, धंधे की बात है, और ये दिल की बात है। अपना रास्ता ना पिए, मैं नहीं मिलना चाहती। मिला तो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है।